कृष्णा नामक एक गांव था। उस गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जो दिया बनाता था और उसे बाजार में जाकर बेचता था। उसे जो भी कमाई होता था वह अपने घर को चलाता था। ए, भाग्यवान सुन रही हो? हाँ जी, क्या हुआ? दीपावली का समय है, मैं जा रहा हूँ दिया बनाने। तुम जाओ घर का काम कर लो। अगले साल दीपावली में ढेर सारे कमाई हुआ था, इस बार देखता हूँ माँ लक्ष्मी की कृपा से क्या होता है। अगले साल के कमाई से पूरे परिवार साल भर गुजर बसर क्या था। ठीक है जी, आप जाइए, मैं भी घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी दिया बना लेता हूं, बेचने भी जाना है। मैं जा रहा हूं दिया बेचने। दिए ले लो सुंदर सुंदर दिए, दिए ले लो, दिए ले लो सुंदर सुंदर दिए, दिए ले लो, दिए ले लो, दिए ले लो सुंदर सुंदर दिए। ये वाले भाई कितने का दिया दे रहे हैं? 50 रुपए का 30 दिए हैं। इतने महंगे हैं, इससे अच्छा लाइट ले लूंगा। मेरा कैसा नसीब है, आज तो एक भी दिया नहीं बिका, देखता हूँ आगे चल के। दिए ले लो सुंदर सुंदर दिए, दिए ले लो सुंदर सुंदर दिए, दिए ले लो सुंदर सुंदर दिए। दिए वाले भाई दिए कितने के दे रहे हैं? 50 रुपए का 30 दिए हैं। ये बहुत महंगा है, इससे अच्छा तो मोमबत्ती ले लेंगे। माटी का दिया शुद्ध होता है, इस पर माँ लक्ष्मी खुश रहते हैं, इसीलिए कम से कम 5 दिया गाय के घी में जलाना है। इसके अलावा जो भी जलाए ठीक है, इसलिए 5 दिया जरूर ले लो। ठीक है भाई, आप जो बोल रहे हैं, जो माटी के दिया शुद्ध होता है इस पर माँ लक्ष्मी खुश होते हैं, तो मुझे 5 दिया दे दो। ठीक है, ये लो बहन जी। अरे भाग्यवान, आज तो 5 ही दिया बिका है। आज 5 ही दिया बिका है तो हम लोग क्या करेंगे माँ, लक्ष्मी का यही कृपा है तो हम लोग भूखा ही रहेंगे। हो सके तो कल माँ लक्ष्मी कृपा करेंगे। रात हो गया है, हम लोग सो जाते हैं। ए जी उठिए, ए जी उठिए, सुबह हो गई है। अरे ये उठ नहीं रहा है, लगता है इसको सांप ने काट लिया है। हे माँ लक्ष्मी, मेरे पति को सांप ने काट लिया है, आप मेरे पति पर कृपा कीजिए। अब तुम्हारी सारी कष्ट दूर हो जाएगी। माँ आपके दर्शन पाके हम दोनों धन हो गए। जय माँ लक्ष्मी।